नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया, 11 बाइक बरामद की गई हैं। आरोपियों ने राजस्थान हरियाणा से चोरी की गई बाइकों को अलग अलग जगह पर छुपाया था। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की जा रही है। पल पल फतेहाबाद से राजेश फांबू की विशेष रिपोर्ट। फतेहाबाद की शहर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक आरोपी नाबालिग है। नाबालिग आरोपी फतेहाबाद के ही एक गांव का रहने वाला है और गिरोह के बाकी 3 लोग डबावाली कस्बे के गांव अबू शहर के रहने वाले हैं। इस चोर गिरोह के सदस्यों से पुलिस ने राजस्थान और हरियाणा में अलग अलग जगहों से चोरी किए गए हुए 11 बाइक भी बरामद किए हैं। DSP दलजीत सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के 2 सगे भाई हैं जिनका नाम सुरेंद्र और दिनेश है, जबकि इनके साथ उनके गांव अबूब शहर का ही एक संदीप भी शामिल है। सुरेंद्र, दिनेश और संदीप के साथ फतेहाबाद के एक नाबालिग आरोपी की गिरफ्तारी करके अलग जगहों से 11 बाइक बरामद किए गए हैं। बरामद हुए बाइक होंडा हीरो व सिटी 100 कंपनी के बाइक शामिल हैं। वहीं DSP ने बताया कि गिरोह में और भी सदस्य शामिल हो सकते हैं जिनके बारे में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 4 आरोपी पैसा कमाने के लिए बाइक चोरी करते थे और अलग अलग जगहों पर बाइक चोरी कर आगे अलग अलग जगहों पर बेच देते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों का रिकॉर्ड खंगाला है, जिनसे गिरफ्तार आरोपी सुरेंद्र और दिनेश के खिलाफ पहले से भी कई अभियोग अंकित किए हुए हैं। इनकी जानकारी संबंधित थानों से ली जा रही है। अंदर मुकदमा नंबर 45 है जो 27 तारीख को दर्ज हुआ था, जिसमें 4 आदमी हमने गिरफ्तार करे हैं और इन चारों से हमने लगभग 11 मोटरसाइकिल रिकवर करे हैं जो अनेक स्थानों से चोरी हुए थे। हमारे जो शहर फतेहाबाद से 3 मोटरसाइकिल चोरी जो हुए थे वो रिकवर किए गए इसमें। इसके अलावा 4 मोटरसाइकिल मंडी डबवाड़ी के एरिया से और 3 मोटरसाइकिल संगरिया के एरिया से इन्होंने चोरी की वारदातें कबूल करी है। इनमें से इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और रिमांड हासिल किया जाएगा और आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। राजस्थान से कितने बाइक चोरी हुए? राजस्थान से 4 बाइक चोरी हुए हैं। स्प्लेंडर बाइक है जी। आरोपियों के नाम है जी, मैं आपको नाम इनके बतलाता हूँ। सुरेंद्र सिंह सोनो सुरजीत ओढ़, ये अबूब शहर से है जी। दूसरा है जी दिनेश सनोफ सुरजीत ओढ़, ये भी अबू शहर से, ये दोनों भाई हैं जी। एक संदीप सनोफ सुभाष, ये भी अबू शहर से है जी। एक जुवेनाइल है जिसको हमने कोर्ट में पेश कर दिया है। तो ये कैसे वारदात को अंजाम देते थे, कोई इसकी डिटेल? ये बस अलग अलग से, जो इनका जो सिस्टम है, जो मोडस ऑपरेंडी है, वो अलग अलग ही रही है। मान लो ये जैसे भी वक्त मिलता है वक्त के हिसाब से ये चोरी करते आए हैं जी। जिस तरह नाबालिग का नाम बताया जा रहा है सर, उसको मतलब जिस तरह से उसको आगे करके जो चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, ये अभी अनुसंधान का विषय है जी। इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो बाइक है वो छीन कर लेके जाते हैं कि चुरा के लेके जाते हैं? चोरी कर गए। तो ये 11 बाइक जो पकड़े हैं सर आपने, एक स्थान से पकड़े हैं या अलग अलग जगह से बरामद किए गए हैं? ये अलग अलग स्थानों से रिकवर किए गए हैं जी। तो और भी सर हो सकते हैं बरामद रिमांड के दौरान बाइक? हाँ, इनसे जो पुलिस रिमांड लिया जा रहा है, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन की जा रही है जी। और सर इन तीनों के अलावा इसके गैंग में और भी लोग शामिल हैं या जानकारी? इसमें अभी और भी शामिल लोगों की है संभावना है इसमें काफी, वो इन्वेस्टिगेशन में आगे आ जाएगा। तो एक ही कंपनी के सर ये बाइक? लगभग होंडा कंपनी है, स्प्लेंडर है, एक CD 100 भी हुई इसमें। तो सर इन्होंने बताया ये जैसे चोरी का बाइक दिनेश कुमार के खिलाफ है, इसके खिलाफ एक मुकदमा नंबर पहले भी दर्ज था 547 नंबर, और संदीप के खिलाफ भी है जी, सदर डबवाड़ी है। सुरेंद्र के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज है इसमें हमारे, जो इनसे रिकवरी है।
और इसके अलावा इसने जो है ना जनवरी नवंबर और दिसंबर के महीनों में जब सर्दी ज़्यादा होती है तो ये वारदात ज़्यादा करते आए हैं जी। इस प्रकार ये अंजाम देते हैं, बस चोरी करके ले जाते हैं जी, तो चोर चाबी से। उम्र कितनी है सर? ट्रैकिंग ट्रैकिंग एज तो इनकी ये सारे 21-22 साल के जो है ना जी, टीनेजर से इसी टाइप के। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है और कितने दिन का रिमांड कोर्ट से मांगा जाएगा सर? रिमांड तो इसमें जो आवश्यकता के अनुसार है जी, जैसे मान लो इन्वेस्टिगेशन का 5 दिन का पूरी रिमांड इसमें लिया जा रहा है। आगे सर, ये कोई प्रकार से टीनेजर है, हाँ, इनका कोई मोटिव भी रहा है, कोई बताया इन्होंने भाई हमें किस प्रकार से क्यों चोरी इल्जाम दिया करते, क्या पैसे की नीड थी या कोई एडिक्शन है इनको? बस धन कमाने के हिसाब से, जैसे कोई गलत संगत बच्चे की पड़ जाती है तो वो धन भी कमाता है उससे, वो जो चोरियों की गंदी हैबिट्स में शामिल हो जाते हैं जी। सर क्या ये कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं? ना ये चीज़ अभी तक इसमें नहीं आया।